विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 8 स्थानों से पथ संचलन निकाले। कोविड के नियमों का पालन करते हुए शाखा ने संचलन निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महूनगर में विजयदशमी के उपलक्ष में कई जगह से पथ संचालन निकाले। सर्वप्रथम आजाद मैदान से प्रातः 7 बजे, प्राइमरी स्कूल 8:30 बजे व पंडित दीनदयाल उपवन चना गोदाम से 9:30 बजे पथ संचालन निकाला। कोविड 19 के नियमों के चलते इस बार संघ ने नगर में बड़ा पथ संचालन नहीं निकाला, बल्कि प्रत्येक शाखा में संचलन निकाला, जिसमें शाखा पर आने वाले स्वयंसेवक ही संचलन में शामिल हुए। पथ संचलन के पूर्व जिले के अधिकारियों का बौद्धिक कार्यक्रम भी हुआ। आजाद मैदान पर जिला संपर्क प्रमुख डॉक्टर अशोक पाटिल, प्राइमरी स्कूल पर जिला सह बौद्धिक प्रमुख जितेंद्र पटेल व पंडित दीनदयाल उपवन में जिला प्रचार प्रमुख विशाल पवार का बौद्धिक हुआ। पथ संचलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हुए थे। तीनों पथ संचलन की विशेष बात यह रही कि पथ संचलन में घोषिकाई के साथ ही पथ संचलन में चलने वाले सभी स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के साथ ही मास्क पहनकर चल रहे थे। आजाद मैदान से निकले पथ संचलन में सबसे छोटी आयु का बालक कपीस सैनी भी पूर्ण गणवेश पहनकर संचलन में शामिल हुआ। इसके साथ ही महुगांव, शांतिनगर, गांगलिया खेड़ी, डोंगरगांव, ओम श्री पीथमपुर रोड से भी पथ संचलन निकला। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट।